आखिरी बार शो मेरे डैड की दुल्हन में अपने जबरदस्त एक्टिंग से तारीफ बटोरने वाली टीवी की मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस बिग बॉस विनर श्वेता तिवारी अपनी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव का सामना कर चुकी हैं। साल 2019 में अपने दूसरे पति अभिनव कोहली के साथ झगड़ों को लेकर अपनी बेटी पलक तिवारी को लेकर पुलिस स्टेशन देर रात पहुंचने वाली श्वेता की जिंदगी में कितनी परेशानियों की ढेर आ चुकी है ये आपको शायद मालूम ना हो। अपनी निजी जिंदगी में, अपनी शादीशुदा जिंदगी में कई बार श्वेता को कई तकलीफ का सामना करना पड़ा। आज हम आपको बताएंगे श्वेता की ही जिंदगी का वो राज जो काफी दर्द भरा है। नमस्कार, देख रहे हैं आप नेक्स्ट नाइन लाइव, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। देख रहे हैं आपका ये स्पेशल प्रोग्राम आपकी फेवरेट श्वेता तिवारी को लेकर। देखिए ये रिपोर्ट, जानिए श्वेता की शादीशुदा जिंदगी का काला सच। टीवी की टॉप एक्ट्रेसेस में ऐसी तमाम एक्ट्रेसेस हैं जिनकी जिंदगी काफी ज्यादा विवादों से घिरी रही है। आज हम आपको बताना चाहेंगे सीरियल कसौटी जिंदगी की ओरिजिनल प्रेरणा के बारे में, यानी कि श्वेता तिवारी के बारे में। बेगूसराय सीरियल के बाद दूसरे बेटे रियांश को जन्म देने के बाद श्वेता जब फिल्मों की दुनिया से हटकर दोबारा सीरीज की दुनिया में आई और उन्होंने मेरे डैड की दुल्हन में काम किया, इस शो में उनकी काफी तारीफ हुई। लेकिन क्या आपको मालूम है दोस्तों, श्वेता तिवारी जिन्होंने अपने डाइवोर्स को लेकर काफी ज्यादा खुलकर बात की थी राजा चौधरी के साथ, साल 1998 से लेकर साल 2012 तक श्वेता तिवारी ने अपनी शादी के रिश्ते को संभालने की पूरी कोशिश की। बिग बॉस विनर रह चुकी श्वेता बिग बॉस में कई बार इमोशनल हुई थी। राजा चौधरी दूसरी शादी कर बैठे, उनसे तलाक जब श्वेता तिवारी का हुआ तो कस्टडी बेटी पलक की उन्हें मिली। दूसरा प्यार साल 2013 में अभिनव कोहली में उन्हें मिला। एक्टर प्रोड्यूसर अभिनव कोहली के साथ श्वेता तिवारी ने अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया। लेकिन साल 2020 की बात करें तो ठीक एक साल पहले की बात याद दिला दे आपको, श्वेता ने अभिनव के खिलाफ जब एक फाइल किया था डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर कंप्लेन, उसके एक साल बाद साल 2020 में काफी विवाद हुआ था। साल 2019 में अपने दूसरे पति अभिनव से काफी झगड़े का सामना श्वेता ने किया। फिल्म मेरे डैड की दुल्हन की शूटिंग फिर कर रही थी श्वेता, अभिनव ने उन पर क्लेम लगाया कि वो उनके बेटे से उनकी उन्हें मिलने नहीं देती, दरवाजा बंद कर देती है, वीडियो तक अभिनव ने शेयर किए थे। शादी के ये काले सच है श्वेता तिवारी के जो हमने आपको बताया है। राजा चौधरी जो स्मॉल टाइम एक्टर थे, उनसे तलाक के बाद दूसरे पति अभिनव के साथ भी रिश्ते में काफी प्रॉब्लम से डील कर रही है श्वेता तिवारी। श्वेता ने एलिगेशंस सही है अभिनव कोहली के कि काफी ज्यादा नौकरों की तरह अपने पति के साथ श्वेता व्यवहार करती हैं। ये अभिनव कोहली ने श्वेता तिवारी को लेकर स्टेटमेंट्स दिए हैं। ठीक एक साल बाद यानी कि साल 2020 में जून के महीने में फिर एक साल होने वाला है पति से अलग रह रही हैं श्वेता तिवारी। नेक्स्ट नाइन लाइव से तृप्ति की रिपोर्ट। ये था हमारा शो श्वेता तिवारी को लेकर। श्वेता तिवारी अपनी शादीशुदा जिंदगी में कितने उतार चढ़ाव का सामना कर चुकी हैं, पहले पति से तलाक और दूसरे पति से झगड़े, बेटी पलक को लेकर परेशान, बेटे रियांश को लेकर परेशान, ससुराल वालों के बीच मतभेद और श्वेता की निजी जिंदगी में एक के बाद एक इल्जामों की ढेर पति की तरफ से, एक के बाद एक उनकी जिंदगी को परेशानी में डालता रहा है। ये था हमारा शो श्वेता को लेकर। फिलहाल वक्त हो गया है विदा लेने का। देखते रहें नेक्स्ट नाइन लाइव। नमस्कार।